Hey guys, welcome to my channel Ankit in Germany. In my last video, I talked with Akriti about data science. In this video, we are going to talk about her experience of finding an apartment in Germany. So Akriti, can you tell about your experience of finding an apartment in Germany? The only thing which I didn't like was the accommodation problem. Like, I actually got scammed for 900 euros when I was in India. So that is like... You paid already the person in advance and you didn't got the contract. No. Actually, this is really a big problem. I always tell people, like, whenever you try to look for accommodation, people like these scammers, no, always try ki we are not in Germany right now. We are somewhere outside. Exactly. When you come, we will give you the keys. My house master is there. He will give you the keys or he will give you the contract. And you trust him, right? Same thing happened. Like, he created our Airbnb website and he told me he's in Spain. He can't come. So the Airbnb person will come and give keys and then... Yes. It's a really common problem. And I always tell people, never pay money in advance, whatever is the case. So I think you learned the lesson hard. Yeah, very hard. बेसिकली आपको बहुत तरह के हिंट्स मिलेंगे जब आप एक अपार्टमेंट देखने जा रहे हो. जैसे कि जो स्कैमर होगा वो आपसे बोल सकता है कि मैं अभी जर्मनी में नहीं हूँ, या वो ये कह सकता है कि मैं भी आपको अपार्टमेंट नहीं दिखा सकता, या आपको फोटोज़ नहीं दिखा सकता, चाबी मैं नहीं दे सकता आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तभी दे पाऊँगा जब आप आओगे, या मैं तभी दूंगा जब आप मेरे को पैसे भेजोगे. ये सब चीज़ें एक कॉमन हिंट्स हैं कि ये स्कैमर, आप बींग स्कैम्ड हो रहे हो. बट ये बेसिकली जर्मन्स नहीं करते हैं, ये पीपल जो थर्ड कंट्री में बैठे हुए होते हैं, जैसे कि इटली, रोमेनिया, यहाँ पर कहीं बैठे होंगे, ये लोग बेसिकली आपको अटैक करते हैं. और ये बहुत नॉर्मल है जर्मनी में. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको एडवर्टीजमेंट ऐसा दिखे जो कि टू गुड टू बी ट्रू, और इसको चेक करने के लिए आप बाकी और भी अपार्टमेंट्स देख सकते हो कि इसी प्राइस में क्या और फैसिलिटीज दूसरे एडवर्टीजमेंट में मिल रही है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये एक अपार्टमेंट रियली एक स्कैम है कि नहीं है, और आपको रियली पता चल जाएगा. इससे बचने का भी एक तरीका है, वो ये कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि आप अपार्टमेंट का वीडियो कॉल हो जाए तो अच्छा है. दूसरा, कोई बंदा आपका नोन हो जर्मनी में, उससे कहो कि अपार्टमेंट को विजिट कर ले, चाहे उसको आपके लिए पैसे देने पड़े थोड़े से विजिट करने के. थर्ड थिंग, आप ये ध्यान रखो कि आप जब भी चाबी लो उससे पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कभी भी पैसे जो है ना वेस्टर्न यूनियन मनी से ट्रांसफर ना करो. आप हमेशा आई बैंक करो, मतलब कि बैंक ट्रांसफर करो, क्योंकि उसमें इजीली ट्रैक हो सकता है बंदा. कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो आपको एयरबीएनबी के फेक लिंक्स भेजें जो कि एकदम डिट्टो एयरबीएनबी की वेबसाइट हो, बट वो कहीं और ही चैनल हो रही होगी. तो ट्राई करो कि ऐसी वेबसाइट्स पर ना जाओ, या थोड़ा वेरीफाई करो कि उसका लिंक क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या जा रही है. इन चीज़ों को देखोगे तो थोड़ा बच सकते हो. और कोशिश करो कि अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप जर्मनी आ जाओ, अपार्टमेंट की जगह पे कोई अपना होटल देख लो, ताकि कुछ हफ्ते यहाँ स्टे करके आप यहाँ पे एरिया को फैमिलाइज हो जाओगे जब, तो फिर आप अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप प्लेस को विजिट भी कर सकते हो और खुद से कन्फर्म भी कर सकते हो कि ये प्लेस जेन्युइन है कि नहीं है. और ये थोड़ा ईजी भी रहेगा, बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव हो जाएगा. और गाइस, प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें. साइनिंग आउट, अंकित इन जर्मनी.